Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Niazi Stitching and Painting। तो फ्रेंड्स, हमारे फ्रूट्स बोर्ड पेंटिंग का सेकेंड पार्ट भी आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम पाइनएप्पल बनाएंगे। पाइनएप्पल को बनाने के लिए हमने गोल्डन येलो कलर से ऊपर से थोड़ा सा पेंट किया। अब बीच में हम थोड़ा ऑरेंज कलर डाल देंगे और फिर ऊपर तक अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने नीचे में थोड़ा रेड कलर डाल देना है और उसको भी ऊपर तक मिक्स कर देना है। इससे हमारा जो है रेड और येलो का अच्छा सा शेड बन जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ब्राउन कलर से इसमें इस तरह से लाइनिंग डालेंगे और ये लाइन हमने ऑब्लिक डालना है, फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम लाइन डाल देंगे। अब हम पाइनएप्पल का अपर वाला पार्ट बनाने के लिए सैप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। हम उसमें सैप ग्रीन कलर फिल कर देंगे जो हमारा पहले से वाइट कोट किया हुआ है। और फिर थोड़ा थोड़ा वाइट डालकर भी इसमें हमने मिक्स कर देना है। ये छोटा छोटा लीफ बनाने के लिए भी मैंने सैप ग्रीन कलर ही यूज़ किया।
तो अब हम बनाएंगे बनाना। तो बनाना को बनाने के लिए हमने गोल्डन येलो कलर और वाइट कलर को मिक्स कर लेना है। अब हम इस कलर का हेल्प लेके बनाना को फिल कर देंगे। अब हमने ब्राउन कलर से इस तरह से इसको शेप देना है। ये पोमेग्रेनेट मैंने उसी मेथड से बनाया है जिस मेथड से मैंने एप्पल बनाया था, और एप्पल वाला वीडियो इस पॉड के फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। बस एप्पल को बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा गोल्डन येलो कलर भी यूज़ किया था, लेकिन पोमेग्रेनेट में मैंने ऐसा कोई येलो कलर यूज़ नहीं किया है, बस रेड थोड़ा डार्क करके यूज़ किया बस। अब हम बनाने वाले हैं एवोकाडो। तो एवोकाडो को बनाने के लिए हमने वाइट कलर और सेड ग्रीन कलर और गोल्डन येलो कलर को मिक्स कर लेना है। अब बस हमारा एवोकाडो का शेप तो बना हुआ है ही, बस उस पर हमने पील कर देना है कलर को। अब नीचे में हम थोड़ा सा गोल्डन येलो कलर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर नीचे से ही इस तरह से हम वाइट कलर को डालेंगे और उसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम नीचे में एक लेयर रेड भी डाल देंगे और उसको भी मिक्स कर देंगे। और फिर रेड डालने के बाद हमने फिर से एक बार गोल्डन येलो कलर डालकर इसको मिक्स करना है। और फिर गोल्डन येलो कलर के बाद एक बार वाइट कलर भी फिर से डाल देना है और फिर मिक्स कर देना है। तो ये हमारा एवोकाडो रेडी है। तो आपको मेरा आज का इतना पेंटिंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।